दोस्तों कंपैरेटिव एनालिसिस सीरीज में आज दो स्टील कंपनीज का कंपैरिजन करेंगे, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील। टाटा स्टील ऑफ कोर्स टाटा ग्रुप की कंपनी है, बहुत स्ट्रांग कंपनी है, लेकिन क्या टाटा ने ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं जेएसडब्ल्यू स्टील से? तो कंपैरेटिव एनालिसिस से ये चीज़ें क्लियर होंगी। और दोस्तों स्टील सेक्टर अभी मोमेंटम में जरूर है, लेकिन प्राइसेस ऑलरेडी काफ़ी हाई पे पहुंच चुके हैं। इससे आगे जो रिटर्न्स मिलेंगे वो डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल मार्केट में स्टील का भाव क्या रहता है, और वहाँ पे जो प्राइस रहेंगे वो ऑफकोर्स इम्पैक्ट करेंगे इंडियन स्टील स्टॉक्स को। तो जानेंगे दोस्तों इन दोनों कंपनीज के बारे में स्मार्ट नेशन। लेट अस बिगिन इन्वेस्टिंग मेड सिंपल विद सीए पुनीत जाजू। दोनों ही कंपनीज का चार्ट आपके सामने है। मार्केट कैप है टाटा स्टील की 1,07,633 करोड़ रुपए, वहीं जेएसडब्ल्यू की मार्केट कैप है 1,50,109 करोड़ रुपए। तो जेएसडब्ल्यू ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा बड़ी कंपनी है एज़ कम्पेयर टू टाटा स्टील। जी हाँ दोस्तों, जेएसडब्ल्यू बड़ी है एज इन मार्केट कैप साइज इन कंपेरिजन टू टाटा स्टील। और करंट स्टॉक प्राइस 900 रुपये है टाटा स्टील का, जेएसडब्ल्यू का है 621 रुपये। हाई लो में प्राइस वेरिएशन टाटा स्टील में ऑलमोस्ट 4 times का है, 954 से 259 के बीच में। वहीं जेएसडब्ल्यू स्टील का 4 times से थोड़ा सा ज़्यादा है, 639 से 153 के बीच में। देखिए ये जो दोनों कंपनीज हैं स्टील साइकिल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं, तो हाई लो कमोडिटी सेक्टर में वैसे काफ़ी रहता है, और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है। 55 का पीई मल्टीपल है टाटा स्टील का फिलहाल, 55 का पीई मल्टीपल जो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जेएसडब्ल्यू का तो मल्टीपल टाटा स्टील से भी ज़्यादा है, 58.5। बुक वैल्यू 544 की है टाटा स्टील की, तो बुक वैल्यू से फिलहाल प्रीमियम है यहाँ पे। जेएसडब्ल्यू में तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, बुक वैल्यू 156 की ही है। डिविडेंड यील्ड टाटा स्टील का बेटर है, आप देख सकते हैं 1.11% है, वहीं जेएसडब्ल्यू का है 0.32%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टाटा स्टील के हैं 5%, 5.5% बोल सकते हैं, वहीं जेएसडब्ल्यू के हैं 9%। तो ऑलमोस्ट डबल हैं टाटा स्टील से जेएसडब्ल्यू के रिटर्न्स। रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है टाटा स्टील का, नेगेटिव 1.18%, वहीं जेएसडब्ल्यू का 12.5%, ऑलमोस्ट 13%, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इक्विटी है। फेस वैल्यू 10 रुपये है टाटा स्टील में और 1 रुपये है जेएसडब्ल्यू में। 34% टाटा स्टील में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है, वहीं 44% है जेएसडब्ल्यू में। प्लेजिंग 3.37% की है टाटा स्टील में, लेकिन जेएसडब्ल्यू में है 22% के शेयर होल्डिंग प्लेज्ड। प्रोमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज हुई है 3% से टाटा स्टील में, और जेएसडब्ल्यू में 2% से इंक्रीज हुई है। डेट इक्विटी 1.7 का है टाटा स्टील में, जेएसडब्ल्यू में 1.3 का है। 1,11,000 करोड़ रुपए का डेट है टाटा स्टील में, वहीं 50,000 करोड़ रुपए का डेट जेएसडब्ल्यू स्टील में। और 3 साल पहले जो डेट था टाटा स्टील में इंक्रीज हुआ है ऑलमोस्ट 30,000 से, वहीं जेएसडब्ल्यू में डेट जो है 6,000 करोड़ रुपये से इंक्रीज हुआ है। प्राइस टू बुक वैल्यू प्रीमियम टाटा स्टील में इतना ज़्यादा नहीं है, 1.65 का ही प्रीमियम है, वहीं जेएसडब्ल्यू में 4 गुना का प्रीमियम है। रिटर्न ऑन एसेट्स नेगेटिव हैं टाटा स्टील के 0.32%, वहीं जेएसडब्ल्यू के पॉजिटिव 4.78%। पीजी रेशियो 4.43 से टाटा स्टील महंगी कंपनी है, जेएसडब्ल्यू में इतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, तो पीजी रेशियो के हिसाब से जेएसडब्ल्यू का जो वैल्यूएशन है वो बेटर है। सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 3% का सेल्स ग्रोथ है टाटा स्टील में, प्रॉफिट 6% से ग्रो हुआ है, और जेएसडब्ल्यू में 14% से सेल्स ग्रो हुआ है और 11% से प्रॉफिट। तो टाटा स्टील में प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है एज कम्पेयर टू जेएसडब्ल्यू स्टील, लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील का जो सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रांग है, 14%, टाटा स्टील का सिर्फ 3% से ग्रो हुआ। तो डेफिनेटली जेएसडब्ल्यू स्टील ने, हालांकि प्रॉफिट में ग्रोथ इतना ज़्यादा नहीं है, 11% अपने आप में फिर भी काफ़ी बड़ा नंबर है। अर्निंग पर शेयर नेगेटिव टाटा स्टील के 5 रुपये और 16 रुपये पॉजिटिव जेएसडब्ल्यू स्टील में। और 10 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की जो फिगर है वो आपके सामने है, तो डेफिनेटली जिंदल स्टील के जो है जेएसडब्ल्यू स्टील के बेटर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी है। 3 साल में 13% का रिटर्न टाटा स्टील में, जेएसडब्ल्यू में 25% का रिटर्न, और 10 साल में 4% का रिटर्न टाटा स्टील में, जेएसडब्ल्यू में है 20% का रिटर्न। देखिए काफ़ी बड़ा फर्क है, 10 सालों में जेएसडब्ल्यू स्टील ने बहुत बेटर रिटर्न्स दिए हैं टाटा स्टील के कंपैरिजन में।
तो डेफिनेटली यहाँ पे JSW नंबर वन पे है और टाटा स्टील नंबर टू पे है। हालांकि दोनों ही साइक्लिकल सेक्टर में है, ऑफ कोर्स स्टील सेक्टर में है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। मैं यहाँ पे आपको खरीदने बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको कोई भी स्टॉक खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। ये साइक्लिकल सेक्टर है और इंटरनेशनल स्टील प्राइसेस से इन्फ्लुएंस रहेंगे, लेकिन कंपैरिजन में JSW स्टील नंबर वन पे है और टाटा स्टील नंबर टू पे। थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो।